हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका। तो ना धृति की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और फिर हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पास में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, जो कि मैंने सेलुलर जेल वाले व्लॉग में बताया था कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो हम लोग वहाँ पे गए, पहले भी हम गए थे, तो अभी फ़िलहाल हम उसे लेके जा रहे हैं। उसको थोड़ा लूज मोशन हो रहा था थोड़ा टाइम से, तो फिर मैंने सोचा कि दिखा लेना बेटर है। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे और वो उनको टाइम नहीं था। तो फिर हम दोनों ही निकल गए उसको लेके ऑटो से। ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही सेलुलर जेल के जस्ट पीछे था। तो हम निकल गए और फिर धृति इंजॉय भी कर रही है, क्योंकि उसको बाहर जाने में तो भाई मज़ा ही आता है, तो वो इंजॉय कर रही थी। लेकिन उसका थोड़ा मूड ऑफ था, क्योंकि लूज मोशन होने से ना बच्चों का उनका पूरा बॉडी हिल जाता है। तो फिर हम गए फटाफट। और यहाँ पे ना ये गांधी जी का जो स्टैचू लगा ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। ये ना ग्रीन मार्केट में है, जो कि बहुत बढ़िया दिखता है। कभी भी चले जाओ ना, मस्त दिखते हैं गांधी जी ऐसे लाठी। तो अब हम पहुंच गए और ये सेलुलर जेल का ना आप कभी भी जाओ, बहुत सुंदर दिखता है। रात में भी इसकी लाइटिंग इतनी अच्छी होती है ना कि मैं क्या बताऊं। वैसे तो ये जेल है, बट अब टूरिस्ट प्लेस है, तो बहुत मस्त दिखता है। तो अब हम पहुंच गए जीवी पंत हॉस्पिटल, जस्ट सेलुलर जेल के पीछे ही। और यहाँ की सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये, बट इतना भीड़ होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो मैं पहुँची और यहाँ पे ना आधार कार्ड से नंबर लगाना होता है। आधार कार्ड अपना, मैं तो धृति को दिखाना था, पर मैंने अपना आधार कार्ड दिया क्योंकि उसका नहीं है। आधार कार्ड लेके आप अपना नंबर लगाओ, इधर से लाइन लगी हुई है। लाइन में भी कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ धक्का धुक्की कुछ नहीं, सब एक एक करके अपने लाइन नंबर आने का वेट करते हैं। और अपना नंबर आता है तो फिर स्लिप बनाते हैं और दिखाते हैं। यहाँ हम वेट कर रहे हैं क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी। हम बहुत लेट निकले थे, हम 12 बजे निकले थे और ये 1-2 बजे तक बंद हो जाता है। तो फिर दिखा के फिर हम वहाँ गए जहाँ पे बच्चे का डॉक्टर बैठते हैं। मैं धृति का वेट नाप रही थी, क्योंकि यहाँ पे आके सारा बच्चों का वेट हाइट सब नापते हैं। तो सब नाप वाप के फिर हम वेट कर रहे थे अपना स्लिप लेके कि हमारा नंबर कब आएगा। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे थे और ये छोटा बच्चा है ना जो पास में मेरे, उसको धृति ना उसके बाल खींच रही थी। ये मतलब जितनी बड़ी हो रही थी ना धीरे धीरे, उतनी ज़्यादा बदमाश हो रही है। ये छोटे बच्चे का बाल खींच रही है, पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था उसको, पर वो खींच रही है। फिर उसके बाद फिर मैं अंदर गई इसको फीड कराने के लिए, वहाँ पे भी एक छोटा बच्चा था, अब वो उसके साथ भी लगी हुई है, उसको भी तंग कर रही है। मैं क्या क्या बच्चा है। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना बच्चे, उतने ज़्यादा नॉटी हो जाते हैं। फिर मैंने फीड करा के फिर मैं बाहर निकली। और यहाँ पे अलग से बनाया भी गया है बच्चों को फीड कराने के लिए, बहुत बढ़िया बात है। फिर उसको दिखा के धृति को, फिर हम गए उसकी मेडिसिन लेने के लिए। मेडिसिन भी वहीं पर ही मिल जाती है, कहीं दूर नहीं जाना होता है। उसके बाद इसकी मासी और ये दोनों वेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर लंबी लाइन थी, तो इन दोनों को मैंने बैठा दिया कि तुम वेट करो। और फिर ना मैंने उधर ही बैठ के धृति को दूध पानी पिला दिया, सॉरी, क्योंकि उसको प्यास लग रही थी और गर्मी थी बहुत। फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि हमारा काम हो गया था और बहुत धूप थी। और फिर हमें भी भूख भी लग गई थी, क्योंकि हम 12 बजे ही निकले थे और हमारा होते होते शायद 2 बज गया था। तो फिर हम वहाँ से निकल के फिर पास में ही मरीना पार्क था, तो मरीना पार्क चले गए। हम आए हैं तो भाई हम थोड़े नज़ारे के भी मज़े ले, तो फिर नज़ारों के मज़े लेने के लिए हम उधर चले गए। और यहाँ पे भी इतनी कड़कती धूप, भाई साहब क्या बताओ। लेकिन देखो भाई व्यू देख के तो मज़ा ही आ जाता था। धूप है चलो ठीक है, पर नज़ारे तो आपका दिल खुश करते हैं। क्योंकि पानी इतना पास था ना, मैं मुझे लगा बहुत गहरा होगा, बट इतना गहरा नहीं था, पर ब्लू ब्लू सी आए हाय। और उधर पास में रोज आइलैंड, मेरा रोज आइलैंड वाला व्लॉग देखा आपने, अगर नहीं देखा ना तो फटाफट जाके देखो, मज़ा आ जाएगा। वो भी इतना सुंदर आइलैंड है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो उसके बाद ना फिर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे राइड वाइड हो रही थी। मैं कहा वाह बहुत बढ़िया। वैसे हमने यहाँ पे कोई भी राइड नहीं की क्योंकि बहुत महंगी थी, 600 रुपीज़ पर पर्सन था। तो भाई हम इतने अमीर नहीं, हम बहुत गरीब। यहाँ पे लोग सब अपने राइड के मज़े लेने के लिए खड़े हैं और ये देखो ये राइड करके आ गए यहाँ पे। तो मज़ा तो भाई काफ़ी आता होगा, बट बहुत महंगा है। तो फिर हमने आज तक नहीं किया, आई थिंक कभी, मैं 3 साल तक हूँ मैं वहाँ, तो 3 साल में कभी। और फिर ना यहाँ पे लोग फिशिंग भी कर रहे थे, मतलब मछली पकड़ के लेके। मुझे तो लगा यहाँ पे मछली मिलेगी नहीं, पर ये मछुआरे तो अपना काम कर ही लेते हैं। और ये आई लव पोर्ट ब्लेयर, सच में आई लव पोर्ट ब्लेयर। मतलब मैंने कभी भी कहीं पे भी जाके ये आई लव वाले के पास फोटोज़ नहीं खिंचाए, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है, बट यहाँ पे मैंने खिंचाए थे और ये मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि आई रियली लव पोर्ट ब्लेयर। मतलब इतनी अच्छी जगह, बाय गॉड, कोई भी जाएगा ना वहाँ तो उसका दिल खुश। और फिर हम खाने के लिए आए यहाँ और धृति की मस्ती चल रही है, उसको हमने ऐसे टेबल पे चढ़ा के बैठा दिया। तब इस टाइम में धृति बहुत छोटी है,
और गेम कहीं भी बैठा देती थी मैं इसको, तो ये मज़े करती थी। और नया नया ही उसने बैठना सीखा था, तो वो बैठ रही थी और ये मेन्यू देख रही कि हम क्या खाएं नहीं खाएं। वैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, बहुत कंफ्यूज रहते हैं मेन्यू डिसाइड करने में। और उसके बाद फिर हमारा एक ही, मैंने बोला भी है पहले कि मैं चिले चिकन और फ्राई राइस में ही राजी रहती हूँ हमेशा ही हर जगह, तो फिर हमने वही मंगाया, चिले चिकन और फ्राई राइस मंगाया हमने वहाँ पर। और यहाँ धृति को हम चीज़ें पकड़ा रहे हैं कि हमें भाई खाने दे, इसकी मासी एक एक चीज़ को पास कर रही और वो फेंक रही है। तो हमारा खाना पीना हो गया, फिर हम वापस अपने घर को जा रहे हैं। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया बाहर क्योंकि धृति की तबीयत ठीक नहीं थी। और ये देखो यहाँ पे किसी नॉटी सी फेस बना के बैठी हुई है, हमेशा ये करती है, इतनी प्यारी लगती है ना, ऐसे नॉटी नॉटी फेस बना के बैठती है। और अभी भी मतलब धूप थी, गर्मी थी, बट वही बाहर का मतलब बाहर निकलो ना वहाँ पे तो भी बहुत अच्छी वाइब्स आती है। और कहीं घूमने वाली जगह जाओगे तो फिर तो आएगी, देखो कितना सुंदर क्लाउड है। हाय हमें शायद 5 बज गए थे, तो 5 बजे के टाइप में ऐसा वेदर होता है वहाँ पे, आराम से कहीं निकलने के लिए ना 5 बजे का टाइम बेस्ट है। मतलब नज़ारे भी इतने अच्छे मिलेंगे ना, और भाई दिल तो खुश होना ही होना है। अंडमान जाके भाई दिल नहीं खुश होगा तो कहीं जाके नहीं होगा। अंडमान ज़रूर अपने लाइफ में एक बार जरूर घूमने के लिए। मैं तो भाई जाके मुझे लग रहा है मेरा जीवन सफल हो गया अंडमान जाके, और कहीं जाऊँ ना जाऊँ अंडमान में चली गई ना तो और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर जगह है। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, अगर कोई घूमने के लिए या टूरिस्ट लोग आए यहाँ पे तो आप जा सकते हो आराम से। हॉस्पिटल बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मेडिसिन इंजेक्शंस हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। और ये यहाँ का मार्केट है, लोकल मार्केट, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, छोटा ही मार्केट है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीज़ें मिल ही जाती है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा। हाँ कॉस्टली तो है भाई, अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो फिर आप यहाँ के मार्केट में जाओ खरीदो, नहीं तो फिर घूमने के लिए आओ ना तो सब कुछ अपना उधर से बांध के लेके आओ। मैं तो यही